बागे कोरंगी के ग्राउंड गुज़िश्ता 2 सालों से बदतर होते जा रहे हैं। खेलों की सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं, जबकि निकासी या आपका निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। कचरे के ढेर और गंदगी के बायस पूरा ग्राउंड खस्ता हाल हो रहा है। इस तबाही के बावजूद नौजवान लड़के ग्राउंड में खेलों की सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। इस बदहाली और KMC, DMC और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा आने वाले आम इंतखाबात पर हमने जब नौजवानों से बातचीत की तो उन्होंने कहा, तकरीबन 5 साल हो गए यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है। अभी आप ग्राउंड की हालत देख सकते हैं, मेरा ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है इस ग्राउंड की कि पहले किस तरह का था, लेकिन अब कोई काम नहीं हुआ है। जगह पर चक्कर लगा लिए टाउन वाउन, लेकिन सब ये कहते हैं बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अभी आ जाएंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। ठीक है, पहली बात तो ये कि वोट तो हम किसी को देंगे नहीं। आप अभी क्रिकेट क्यों ख़राब हुई है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विस का काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यहाँ सारा पानी का पानी ग्राउंड में आया हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। एक लाइन बना दी ग्राउंड में छोड़ गए कि वह पानी आता रहेगा, अपना काम चल रहा है, रोड साफ है। बाकी रोड क्या हालत खुद देख सकते हैं यहाँ पर। इस ग्राउंड की हालत के जिम्मेदार किसे ठहराया जाए ये तो बताना मुश्किल है। सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत के दरमियान जारी इख्तियारात की जंग में अवाम पिस कर रह गए। इन नौजवानों का यही मुतालबा था कि यहाँ पर ग्राउंड पर नजरसानी की जाए और जल्द अज जल्द तरक्याती फंड्स जारी किए जाएं। बागे कोरंगी से अथर याद, कराची।